कि ये सूर्या कुमार यादव की तरफ से आएगी। 25 गेंदों पे 61 रन बनाए हैं, 6 चौके 4 छक्के लगाए हैं, 244 के स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग करके इंडिया को 186 रन तक पहुंचा दिया। इंडिया जिम्बाब्वे से 2 मर्तबा बड़े साहब हार चुका है, तो आप तीसरी दफा भी हार सकता है, इसमें नाराजगी की क्या बात है भाई? क्रिकेट में एक मुकाबला जब होगा, जब आप प्रेडिक्ट करोगे या पहले से, मतलब देखो मुझे समझ नहीं आ रही, इसको बॉलर बॉल करे तो करेगा, ये ऑर्डर करता तो करेगा, छक्का मार देता कभी पीछे मार देता है, बाउंसर करो तो पीछे का छक्का मार देता है। अब इसकी इनिंग अगर आप देखें, क्या सुपर इनिंग थी, और बैक टू बैक 50 मार रहा है, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। बैटिंग ऑफ स्काई सूर्या कुमार यादव, सूर्या कुमार यादव ने आज किया है जी कमाल, क्या शानदार बल्लेबाजी का सूर्या कुमार यादव ने मुजाहरा किया। उसकी वजह ये कि भाई आप पाकिस्तान से जब जिम्बाब्वे खेल रहे थे तो आप जब भी कह सकते थे कि जिम्बाब्वे जीत सकता है, करके इस लड़के ने एक बार फिर बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, दलेरी का मुजाहरा करते हुए इंडिया के लिए वो इनिंग्स खेली है कि जो मेरे ख्याल में इंडिया वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि ये पाकिस्तान को एक ऐसा इतने बड़े दिल वाला प्लेयर मिला है जैसे इंडिया को सूर्या कुमार यादव मिला है, कि वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है, बिल्कुल इसी तरह दलेरी के साथ ये लड़का भी खेलता है। टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, अभी ये बहुत यंग है, सूर्या कुमार यादव के पास एक्सपीरियंस भी है, उसकी स्किल भी आप ये कह सकते हैं ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये तो लड़का अभी नया नया आया है और अंडर 19 से आया है पाकिस्तान की तरफ से कुछ अर्सा पहले खेल के, सो इसके पास इतना एक्सपीरियंस करें। दूसरा सेमीफाइनल तो भारत ने आज जिम्बाब्वे को कन्विंसिंगली शिकस्त देकर के दूसरे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग ऑफ स्काई सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव ने आज किया है जी कमाल, क्या शानदार बल्लेबाजी का सूर्या कुमार यादव ने मुजाहरा किया। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि बहुत स्लगिश किस्म की बैटिंग कर रही है इंडियन टीम, और आज आपको पता है कि कोहली भी नहीं चल सके, ऊपर से टॉप मतलब केएल राहुल ने की है आज 50 की है, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा फिर नाकाम, केएल राहुल नाकाम, ऋषभ पंत को आज डाला गया वो नाकाम, तो वहां पर आकर के इस लड़के ने एक बार फिर बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, दलेरी का मुजाहरा करते हुए इंडिया के लिए वो इनिंग्स खेली है कि जो मेरे ख्याल में इंडिया वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सूर्या कुमार यादव की तरफ से आएगी। 25 गेंदों पे 61 रन बनाए हैं, 6 चौके 4 छक्के लगाए हैं, 244 के स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग करके इंडिया को 186 रन तक पहुंचा दिया, और जवाब में सिर्फ 115 रन के ऊपर जो है वो जिम्बाब्वे की टीम हार गई। सो बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फैसला पहले ही हो गया, अल्लाह की तरफ से हो गया, कुदरत का निजाम आज अल्लाह ने दिखा दिया, हकीकी मानों में ये कुदरत का निजाम होता है। सर आप जब खुद से जानबूझ के हारते हैं वो कुदरत का निजाम नहीं होता अपनी हरकतों की वजह से, ये है कुदरत का निजाम। मैंने कह तो दिया है कि जिम्बाब्वे इंडिया को हरा सकता है, लेकिन जो कुछ ब्रेक में हुआ ना वो बताने वाला है और ना वो दिखाने वाला है कि कमर जैफी साहब का उस वक्त पारा कहां पे था, और पूरे ब्रेक में जिस तरह ऑन एयर ये बोलते रहे, इस तरह पूरे ब्रेक में इन्होंने जो है वो मेरी क्लास लेने की भरपूर कोशिश की है। उसकी वजह ये कि भाई आप पाकिस्तान से जब जिम्बाब्वे खेल रहे थे तो आप जब भी कह सकते थे कि जिम्बाब्वे जीत सकता है, उस वक्त तो कोई नहीं कह सकता था, तो इस चीज देख ली ना, इसलिए जिम्बाब्वे से इंडिया आसानी जीत जाएगा। आप क्रिकेट को अपने पैशन को परसों भी आपको मैंने बताया था, इंडिया जिम्बाब्वे से 2 मर्तबा बड़े साहब हार चुका है, तो आप तीसरी दफा भी हार सकता है, इसमें नाराजगी की क्या बात है भाई? क्रिकेट में एक मुकाबला जब होगा, जब भी आप प्रेडिक्ट करोगे या पहले से, मतलब ये कोई उनका ये कहना गलत है, आपने बोला मैं शो में नहीं करूंगा, गोगिया भाषा चल रहा है, मतलब क्या मतलब ये दीवारों पे जो लिखा होता है महबूब आपके कदमों में, उनसे कोई फल निकलवाइए आपने, ग्राउंड के अंदर होता है उस पर आप प्रेडिक्ट करते हो, जिम्बाब्वे में कौन सा कोहली है मुझे आप बता दें। अब आइंदा जब आप आए ना स्टूडियो या जिस गाड़ी में बैठा करें तो जरा से वो शील्ड लगा लिया करें, दीवारें पढ़ते हुए आते हैं, आप माइयों से आगे नहीं निकलते, आंटियों से आगे नहीं निकलते, दीवारों पे क्या लिखा हुआ है गोगिया पाशा से आगे, आप बात वही कर रहे हैं, आपका सवाल ही रिलेट कर रहा है भाई, आपका सवाल ही सवाल वही रिलेट कर रहा है, महबूब आपके खत्म हो गए, अब इंडिया आपके खत्म हो गए, मेरे जो उल्टे आदमी बैठे हैं वो ले आते हैं कि बारिश हो जाएगी, प्रेडिक्ट हो रहा है ये हो जाएगा, अच्छा उनके पास ये हो जाएगा, भाई खेल हो रहा है यार, खेल पे प्रेडिक्ट हो रहा है, खिलाड़ियों का बताओ ये परफॉर्म करेगा, ये इंडिया से ये खिलाड़ी अंडर परफॉर्म करेगा, जैसे अभी भाई खेल हो रहा है इंडिया में जा सकता है, जावेद भाई का सुनना था कि ऋषभ पंत छोड़ देंगे पूरे ब्रेक में बोलते हैं, एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर वेदर प्ले करता है, पार्ट मेरा भाई पीछे प्ले करती है, वेदर प्ले करता है तो वेदर की बात कर रहे हैं, डीएलएस डीएलएस होता है, बारिश में होता है, हार जीत जाएगा, हार जाएगा तो वो खेल में होने को सब कुछ हो सकता है, बारिश क्यों होगा भाई, देखकर भाई होने को सब कुछ हो सकता है, अच्छा आयरलैंड इंग्लैंड से हार सकता था चांस ही नहीं था, आयरलैंड भी जीत सकता, मुझे नहीं मुझे नाराजगी की बात है कि मैं माइक पे के जा रहा हूं, उठ के जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा भाई, आप मुझे बताइए आज इनके फिर की बर्थडे, आज इनको छोड़ दो, आज इनके खेल के बाद हुआ या धोखे से बाद हुआ, इनको पकड़ दे, इनको छोड़ के जीत गया इंडिया, शुक्र है।
शुक्र है हम जिम्बाब्वे के भरोसे नहीं रहे, शुक्र है कि हम जिम्बाब्वे के भरोसे नहीं रहे। शुरू में लग रहा था शायद वो वापस आ लेगी, लेकिन एकदम जिसको कहते हैं ना विराट कोहली आउट हुआ, फिर केएल राहुल आउट हुआ, कुमार यादव को क्रेडिट देना पड़ेगा यार, उसने बड़ी कमाल की शॉट्स करी हैं, बड़ी कमाल किया स्पेशली बिल्कुल वाइड जाके उसने ये खेल के ना इतनी प्यारी शॉट्स। पहले मैं देखता था इस प्लेयर को तो ये लेग से लेग का मारता था, अब तो ये वाइड कहां से जा रहा है, ऐसे मारता है मुझे कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही इसको बॉलर बॉल करे तो करेगा, ये ऑर्डर करता तो कवर का छक्का मार देता है, कभी पीछे मार देता है, बाउंसर करो तो पीछे का छक्का मार देता है। अब इसकी इनिंग अगर आप देखें क्या सुपर इनिंग थी, और बैक टू बैक 50 मार है, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है यार, उसका स्ट्राइक रेट तो शुरू से बोल रहा है। और विनीत भैया आज केएल राहुल को भी तारीफ करनी पड़ेगी, 51 रन पर 34 जान करें, जब वो सूर्य कुमार यादव ऐसे नहीं खेल रहा, सबकी दूसरे दिमाग सारा भी दर्द कर रही है, वो रोल प्ले कर रहा है ना इस टाइम, मुझे लग रहा है कि ये अगर तो इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो इसका ये यही होगा जो इंडिया में जाएगा वर्ल्ड कप, जो ये परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है ये इसने सबको इंप्रेस करके रख दिया है कि आप ये देखो कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है वर्ल्ड कप, और जो ये क्लास पहले मैं समझता था बायलैटरल सीरीज का प्लेयर है, लेकिन इतने बड़े फॉर्मेट में अगेंस्ट इन ऑस्ट्रेलिया ऊपर से गेंद साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस दी, क्या जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल रहा है ये लड़का, अगर उनको खेलना है तो इस तरह खेलना होगा, उनके भी ओपनर्स आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उनका एक ओपनर ऐसी फॉर्म में है बैक टू बैक 50 और जबरदस्त अच्छे 50 मारे हैं। अभी देखिए सूर्य कुमार यादव के अगर आप हाईलाइट देखो ना, हाईलाइट से आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या किया, शॉट्स के लिए इतनी पीछे उस तरफ वाइड में जाके उसने जिस तरह से यहाँ खेला ना, डर होता है ना बल्लेबाज को बोलर का, डर से खत्म हो गया, वो डर ही होता है यार, बहुत टाइम है इस लड़के के पास बहुत, अब देखो ना इतने लोग परफॉर्मेंस दिया, बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग की, केएल राहुल ने परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन उनकी बात नहीं हम कर रहे, क्यों ये सारे सबकी तारीफ ले जाता है, ऐसे ही है यार, पता क्या एक होती है हाईलाइटेड इनिंग्स, वो ये खेला है आज, ये सपना तो यही आ रहा है, जब जब 50 मारते हैं वो हाईलाइटेड होता है, यार वो मार खेलता है, आज मुझे शौक था मैं विराट कोहली जैसे आउट हो गया, विराट कोहली ऐसे आउट ही होता होता, आज लग रहा था आपने भी कहा था विराट कोहली ज्यादा रन करेगा, मैंने रोहित शर्मा मैंने सूर्य कुमार यादव भी कहा था सर, मैंने विराट कोहली तुम हर चीज कहा था, मैं समझ रहा था मैंने तो ये भी कहा था फाइटिंग मैच होगा, रोहित शर्मा हमेशा के साथ धोखा देके जा रहे हैं, ऐसे ही है वो नहीं चाहिए, ये तो मैच हो गया, जिसको कहते हैं ना जो अब नजर आ रहा है सिनेरियो वो ये है कि इंडिया का होगा फाइनल, जिस फाइनल सेमीफाइनल होगा इंग्लैंड के साथ, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ, पाकिस्तान का पहला सेमीफाइनल है सिडनी के अंदर, उसके बाद इंडिया का है, ओहो हो क्या मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला।